हाय स्टूडेंट, माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल हमने बताया था कि फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका हमने फार्मूला आपको बताया था, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और आज हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, फैराडे के दो लॉ हैं, ठीक है। देर आर टू लॉज ऑफ फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, यानी प्रथम नियम, देखो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था कि कहीं भी जहां भी मैग्नेटिक फील्ड एरिया होती है उनमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो जब किसी कॉयल या कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है। इस विद्युत वाहक बल का परिमाण इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। यानी जब किसी कुंडली या परिपथ से संबंधित मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस विद्युत वाहक बल का परिमाण E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। यानी फैराडे फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट को ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी भी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं लिख करके, ठीक है। किसी कुंडली में या सर्किट, आप दोनों बोल सकते हैं, में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, यानी E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉयल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द निगेटिव वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल इज कैपिटल एन, इफ नंबर ऑफ टर्न इन द कॉयल इज कैपिटल एन, देन इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या एन है तो ई का मान इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी होता है, ओके।
इन द डिफरेंशियल फॉर्म, इन द डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म इसका क्या होता है, यानी अवकलन फॉर्म क्या होता है, उसको हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी लिखते। ठीक है स्टूडेंट, ये फैराडे का प्रथम नियम है, आप हिंदी में इंग्लिश में दोनों में आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फैराडे का सेकेंड नियम पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ। ठीक है, देखो स्टूडेंट, फैराडे का जो सेकेंड लॉ है उसको लेंज लॉ भी कहते हैं। फैराडे के सेकेंड लॉ को लेंज लॉ भी कहते हैं। ठीक है, देखो लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है कि वो उस कारण को ही अपोज करता है जिससे वो खुद इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करेगा जिसके कारण वह उत्पन्न होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित विद्युत धारा सदैव उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसे आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ आर इंड्यूस्ड करंट अपोज टू द काज बाई विच इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाई विच इट इज प्रोड्यूस्ड, जिससे यह प्रोड्यूस होती है उसी को अपोज करती है। ठीक है, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमने दो लॉ आपको बताया, फैराडे का फर्स्ट लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ। फैराडे के फर्स्ट लॉ को न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है, फैराडे के फर्स्ट लॉ को न्यूमैन्स लॉ भी कहते हैं और सेकेंड लॉ को लेंज लॉ कहते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड लॉ जो न्यूमैन का लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, कुछ हम लोग देखें कि ड्यू टू द चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, हम लोग इसमें देखेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। देखिए नंबर एक, देखिए पहला, वी नो दैट हिंदी वाले लिखेंगे, हम जानते हैं कि, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू बी ए व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। ठीक है, थीटा जब जीरो डिग्री होता है तो हम लोग लिखते हैं फाई इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, आप देखो नंबर पॉइंट वन, देखिए When magnetic flux is changed,
जब मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है, बट एरिया इज कांस्टेंट, देन जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है लेकिन एरिया नियत है, कांस्टेंट है, उस कंडीशन में देखिए हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये किस चीज का फार्मूला है स्टूडेंट? ये सूत्र है फैराडे के प्रथम लॉ के अनुसार विद्युत वाहक बल का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, प्रेरित विद्युत वाहक बल का। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहां देन इंड्यूस्ड ईएमएफ, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ऊपर से फाई बी की वैल्यू रख दीजिए तो इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा, फाई की वैल्यू बी ए आ गई, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट हमने क्या बताया कि मैग्नेटिक चेंजिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, इसलिए फार्मूले में हम मैग्नेटिक फील्ड डेल्टा बी को बैरीज करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन हो रहा है तो हम लोग ए को कांस्टेंट कर देंगे क्योंकि एरिया कांस्टेंट है। इधर देखिए लिखा है एरिया इज कांस्टेंट, तो एरिया जब कांस्टेंट है नियत है तो एरिया बाहर कर लीजिए। तो ई का फार्मूला आ जाएगा माइनस का एन ए डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है लेकिन एरिया में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग दूसरा देखेंगे स्टूडेंट। ठीक है, नंबर टू, व्हेन एरिया इज चेंज, ठीक है, बट मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, एरिया में चेंजिंग हो रही है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। उस समय हम लोग क्या करेंगे, देखो स्टूडेंट उस समय हम क्या करेंगे, ऐसे उसी फार्मूले का यूज कर लेंगे देन इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का इसमें हम लोग क्या फार्मूला लगाते हैं स्टूडेंट, इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और फाइव बी की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, माइनस का एन डेल्टा बी ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब यहां पे देखो स्टूडेंट, अगर हमारा एरिया चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो जो कांस्टेंट है नियत होता है उसको हम लोग बाहर कर देते हैं, तो माइनस का एन बी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके स्टूडेंट, इन सब फार्मूलों का आप न्यूमेरिकल में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर हमारा कहीं फ्लक्स टाइम के वेरिएशन में दिया हुआ है तो आप न्यूमेरिकल कैसे उसका लगाएंगे। यहां देखो स्टूडेंट, ऐसे सपोज कर लीजिए ऐसे दिया हुआ है हमारा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स,
ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स मान लीजिए फाइ बी इज इक्वल टू ए टी टू द पावर एन एम प्लस बी टी टू द पावर एन प्लस सी टी और माइनस मान लो डी लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है ऐसा अगर इक्वेशन कोई दिया हुआ है, ठीक है, अगर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है तो आप इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। हमने डिफरेंशिएट फॉर्म अभी बताया था पीछे, आप इसका अवकलन कर देंगे। अगर चुंबकीय क्षेत्र फ्लक्स इस तरह दिया हुआ टाइम के वेरिएशन में, टी क्या है, टाइम है, टी टी मीन्स टाइम है, ठीक है, टी क्या है, टी इज इक्वल टू टाइम है, ठीक है, समय है, और जो भी इसका फ्लक्स का यूनिट वगैरह होगा वो यहां लिखा होगा। इस कंडीशन में आप क्या निकालेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे इसको आप, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे तो लिखेंगे बाय डिफरेंशिएशन, ठीक है, बाय डिफरेंशिएशन रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा डी फाई बी अपॉन डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने बताया था पीछे कि जो पावर होती है जब आप डिफरेंशिएट करते हैं यानी अवकलन करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई में हो जाती है, पावर 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है, तो ये हो जाएगा एम ए टी टू द पावर एम माइनस वन और प्लस हो जाएगा एन बी टी टू द पावर एन माइनस वन, और टी जो है अकेला है पावर 1 है तो इसका डिफरेंशिएट 1 हो जाएगा तो सी हो जाएगा, और डी कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई इज इक्वल टू डी फाइव बी अपॉन डी टी लिखेंगे, जो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इसको हम लोग यहाँ लिख करके अपना इंड्यूस डीएमएफ ऐसे निकाल सकते हैं।